दोस्तों, भले ही आज का इंसान कितना भी एडवांस हो गया हो और आज साइंस ने कितनी भी तरक्की कर ली हो, पर आज भी हमारी दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। आज के समय में भूत प्रेत पर बहुत ही कम लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि इंसान की ये फितरत है कि जिस चीज को वो आंखों से देख नहीं लेता उस पर विश्वास नहीं करता। पर आज की इस हैरान कर देने वाली वीडियो में मैं आपको इंटरनेट पर वायरल हुई कुछ ऐसी खौफनाक वीडियोस दिखाने वाला हूं जो आपके होश उड़ा देंगी। इन वीडियोस को देखने के बाद आप अपना सर पकड़ लोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए इस वीडियो का एक सेकंड भी मिस मत करना, और अगर चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं किया है तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस पास वाली बेल आइकन पर टैप करके ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट करना। दोस्तों, मेले में जाकर झूले का मजा लेना किसको नहीं पसंद, पर क्या हो जब आपको पता चले कि आप किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि एक भूत के साथ झूला झूल रहे थे। यह वीडियो अलेजिक्स नाम के एक व्यक्ति ने YouTube पर अपलोड किया। उसका कहना था कि जब वो अपनी दो फ्रेंड्स के साथ झूला झूल रहा था तो उनके कैमरे में एक ऐसी औरत रिकॉर्ड हो गई जो उनके साथ थी ही नहीं। अलेजिक्स का कहना था कि जब वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब उन तीनों के अलावा वहां पर कोई नहीं था। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये अजीब दिखने वाली महिला कुछ सेकंड के लिए वीडियो में दिखाई देती है, फिर अचानक से कहीं गायब हो जाती है। जब अलेजिक्स ने इस वीडियो को घर आकर देखा तब उसको पता चला कि उन तीनों के अलावा वहां चौथा भी कोई था। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इस महिला का चेहरा काफी अजीब था और ये इन लड़कियों के साथ ऐसे हंस रही थी जैसे ये इनकी फ्रेंड हो, पर इन लड़कियों का कहना था कि जब ये इस झूले में बैठी हुई थी तब इनके पास कोई भी नहीं था। दोस्तों, कभी कभार कैमरे में कुछ ऐसे मूवमेंट रिकॉर्ड हो जाते हैं जिनको देखकर भी हम उन पर यकीन नहीं कर पाते। अब जो आप वीडियो देखने वाले हैं, इसको देखने के बाद आप अपना सर खुजाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये वीडियो पुलिना लारा नामक महिला ने टिकटॉक पर अपलोड की, जिसमें रिकॉर्ड हुआ दृश्य देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि जब पुलिना यहाँ कुछ सामान उठा रही थी तभी कोई अदृश्य ताकत उसको खींच कर अंदर ले जाने लगती है। तब पुलिना हड़बड़ाकर अपना पैर छुड़ाती है और अपनी जान बचाकर वहां से भाग आती है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पुलिना का एक पैर हवा में था, मानो जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसको पकड़ रखा हो। पुलिना ने एक फेसबुक पोस्ट में अपने पैर का एक फोटो भी शेयर किया जिसमें उनका पैर जख्मी दिख रहा है। दोस्तों, आप यकीन नहीं कर सकते कि ऐसी वारदातें भी हमारी दुनिया में होती हैं। दोस्तों, कुछ लोग एडवेंचर के लिए खंडर पड़े घरों को एक्सप्लोर करते हैं। इसी तरह का ये वीडियो है जिसमें एक व्यक्ति इस खंडर पड़े घर को एक्सप्लोर कर रहा था। तब कुछ टाइम देखने के बाद ये व्यक्ति घर के पीछे जाता है और इसको घर के पीछे एक कुआं दिखाई देता है, जिसमें झांकने के बाद जब ये वापस जाने लगता है तभी इसकी नजर एक अजीब से क्रिएचर पर पड़ती है जो कि एक दीवार के पास बैठा हुआ था। No mames. अब जैसे ही उस अजीब से क्रिएचर को इस व्यक्ति की आहट होती है तब वो क्रिएचर पलटकर इस पर हमला कर देता है, लेकिन ये व्यक्ति फटाफट वहाँ से अपना कैमरा लेकर भाग जाता है। देखने में ये जीव कुछ हद तक इंसान लग रहा था, लेकिन ऐसे बिना कपड़ों के ये जीव यहाँ पर क्या कर रहा था, ये आज भी एक सवाल बना हुआ है। दोस्तों, कहा जाता है कि बच्चे और जानवर ऐसी शक्तियों को देख सकते हैं जिसको आप और हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में एक महिला अपनी बच्ची का वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तभी उन्होंने देखा कि उनकी बेटी अचानक से किसी अज्ञात चीज से टकराती है। कैमरा ऑन था पर फिर भी इस बच्ची की माँ नहीं समझ पाई कि इस बच्ची से क्या टकराया, लेकिन जब उन्होंने मोबाइल में रिकॉर्ड इस वीडियो को ध्यान से देखा तब इस बच्ची की माँ के भी होश उड़ गए। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इस बच्ची के सामने से एक काली परछाई गुजरती है, जिस वजह से ये बच्ची भी एक सेकंड के लिए पीछे हट जाती है, मानो जैसे इस बच्ची ने उस चीज को देख लिया था और उससे बचने के लिए ये पीछे को हटी।
सच में दोस्तों बच्चे वो सब देख सकते हैं जो आम इंसान नहीं देख सकते। दोस्तों मेक्सिको के रहने वाले एक दुकानदार ने दावा किया कि उसकी दुकान हॉन्टेड है और इसी बात को साबित करने के लिए उसने दुकान के कुछ सीसीटीवी फुटेज फेसबुक पर शेयर कर दिए, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज इस दुकान में हो रही हैं जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। पर कुछ लोगों का कहना था कि इस दुकानदार की चाल थी अपनी दुकान को फेमस करने के लिए। पर इस दुकानदार ने कुछ दिन बाद एक और वीडियो फेसबुक पर अपलोड की जिसमें कुछ ऐसा हुआ। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इस दुकानदार की उंगली अजीब तरीके से पीछे को मुड़ जाती है, जबकि कोई भी व्यक्ति खुद से अपनी उंगली को ऐसे नहीं मोड़ सकता। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है दोस्तों, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों ये खौफनाक वीडियो फेसबुक पर अपलोड किया गया था, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक महिला अकेली टहलती दिखाई दे रही है। पर जब तक ये महिला अकेली टहल रही थी तब तक ये वीडियो नॉर्मल था, पर थोड़ी देर चलने के बाद ये महिला एक जगह पर ठहर जाती है और अपना एक हाथ उठाती है। अब देखते ही देखते हैरतअंगेज तरीके से एक छोटी बच्ची यहाँ पर प्रकट हो जाती है, जो कुछ सेकंड पहले यहाँ थी भी नहीं। पर हैरान करने वाली बात यह है कि अचानक से प्रकट हुई उस बच्ची को देखकर ये महिला ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मानो जैसे इसको पहले से ही पता था कि यहाँ कोई बच्चा मौजूद है। ये घटना सच में काफी खौफनाक और अपने आप में एक रहस्य है। दोस्तों ये रहस्यमय घटना एक रोड के किनारे लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। वीडियो में देखा जा सकता है कि रोड के किनारे बहुत सारे लोग जाते दिख रहे हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति का ध्यान इस बात पर नहीं गया जो इस वीडियो को सबसे ज्यादा रहस्यमय बनाती है। पहली नजर में इस वीडियो को देखकर आपको सब कुछ नॉर्मल लगेगा, लेकिन ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये वीडियो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। इस वीडियो में ध्यान से देखिए कि ये ब्लैक कपड़े पहना हुआ व्यक्ति आता दिख रहा है, लेकिन ये कहां से आया था ये किसी को भी नहीं पता। ये व्यक्ति अचानक से उस पोल के पीछे से प्रकट होता है और जल्दी में कहीं चला जाता है। आप उस पोल के पीछे का व्यू भी देख सकते हैं, पीछे कोई भी नहीं था, पर ये व्यक्ति अचानक से उस पोल के पीछे से प्रकट हो जाता है और वहां से चला जाता है। यहां चल रहे लोगों को ये तमीज भी नहीं होता कि यहां पर क्या हुआ है, पर सीसीटीवी कैमरे में वारदात रिकॉर्ड हो गई। दोस्तों इस वीडियो में व्यक्ति दावा करता है कि इस कवर से अजीबोगरीब चीखने की आवाजें आ रही थी। आप भी सुनो इन आवाजों को। अब मुझे नहीं पता कि ये आवाजें सच में आ रही हैं या फिर ये सिर्फ एडिटिंग का कमाल है, लेकिन यूपी के जलालपुर के कुछ लोगों ने बताया कि उनके पास वाले कब्रिस्तान से किसी के गुनगुनाने की आवाज आती है। आप भी सुनो इस लड़के की बात। आवाज गुनगुनाहट की आवाज आ रही है। तो फिर क्या हुआ? बस आवाज सुनकर अपना घर आ गए। हमने अपने घर पे बताया कि ऐसा आवाज आ रही है। कहाँ से आवाज आ रही है? कब्र में से आ रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस पास वाली बेल आइकन पर टैप करके ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट करना।